नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गबन मुंशी प्रेमचंद जी का एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने एक वीडियो के रूप में गबन उपन्यास की कथा को चार भागों में बांटा है, ताकि आप इस उपन्यास की कथा को अच्छी तरह समझ सकें। पार्ट वन वीडियो में अब तक मैंने अध्याय एक से लेकर 13 अध्याय तक की कथा को प्रस्तुत किया है। अब मैं पार्ट टू वीडियो के रूप में 14वां अध्याय से लेकर 26वां अध्याय तक की कथा को प्रस्तुत करना चाहता हूं। ठीक इसी तरह पार्ट थ्री वीडियो में 27वां अध्याय से लेकर 39वां अध्याय तक और फिर अंत में 40वां अध्याय से लेकर 52वां अध्याय तक की कथा को बड़े सुंदर ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का विचार रखा है। चूंकि इस बार का प्रश्न MCQ बेस्ड पर आधारित प्रश्न है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट टू वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की कथा को यानी 14वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक की कथा को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की कथा या सार या सारांश या कथा वस्तु। 14वां अध्याय की कथा से लेकर 26वां अध्याय तक की कथा। जिस दिन रामनाथ अपनी पत्नी जालपा को खुश करने के लिए दुकान से दो गहने यानी एक हार और एक शीश फूल गहना लेकर आया, ठीक उसके दूसरे दिन ही गहने खरीदने की बात सारे सराफे में फैल गई और चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। फिर क्या था, एक दिन चरणदास नामक एक दलाल गहने लेकर रामनाथ के घर आ पहुंचा और गहना खरीदने के लिए जिद करने लगा। जालपा की गलत फहमी की वजह से कि इन गहनों के रुपये तो माताजी यानी रामनाथ की माताजी देंगी, यह सोचकर वह 700 रुपये के दो गहने यानी एक कंगन और एक रिंग उधार में खरीद लेती है। यानी जालपा ने इस भ्रम में दो आभूषण और खरीद लिए कि इनके रुपये तो मां जी देंगी। इस प्रकार झूठी शान और संकोच के कारण रामनाथ कुछ नहीं कर पाया और न चाहते हुए भी रामनाथ के ऊपर 1300 रुपये का और अधिक ऋण हो गया। एक ओर ऋण का बोझ बढ़ जाने के कारण रामनाथ प्रतिदिन चिंतित रहने लगा, तो दूसरी ओर जालपा बहुत अधिक प्रसन्न रहने लगी। उसके मन में पति के प्रति भी आदर व सेवा की भावना जागने लगी थी। वह रात दिन अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता था। उसे अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पति की सेवा करना जालपा ने अब अपना कर्तव्य समझ लिया था। जालपा भी गहनों की प्राप्ति होते ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से सखी सहेलियों के बीच घूमने लगी और तो और नए नए लोगों से भी मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, घर में सहेलियों के आने पर पान इलायची जलपान आदि का सारा खर्च जालपा के द्वारा ही किया जाने लगा। रामनाथ भी जालपा के साथ सिनेमा
आदि भी देखने के लिए जाने लगा। धीरे धीरे सभी लोग अब उसका आदर व सम्मान करने लगे थे। वह उन लोगों के बीच बहुत अधिक मान सम्मान भी प्राप्त करने लगा था, जिससे रामनाथ और जालपा बहुत प्रसन्न थे। आगे चलकर एक पार्टी में सम्मिलित होने के लिए एक बढ़िया साड़ी और एक घड़ी भी खरीद कर ले आई। एक दिन रामनाथ और जालपा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ भी गए। वहाँ जालपा का परिचय वकील साहब की पत्नी रतन से होता है। रतन एडवोकेट वकील इंदु भूषण की पत्नी थी। रतन को जालपा के गहने यानी कंगन बहुत अधिक पसंद आते हैं और वह रामनाथ से एक वैसा ही कंगन बनवाने के लिए 600 रुपये पेशगी दे देती है। परंतु रामनाथ ऋण से मुक्त होने के लिए इन 600 रुपयों को गंगू शराब की दुकान पर जाकर अपने हिसाब में जमा कर देता है। इसके साथ ही साथ वह गंगू शराब को कंगन की एक नई जोड़ी बनवाने के लिए भी कहता है। गंगू शराब ने पहले तो बनाने के लिए हाँ कर दिया, पर पता नहीं क्यों उसने फिर इनकार भी कर दिया। पेशगी दिए बिना वह कंगन की जोड़ी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। रामनाथ मजबूर होकर रह गया, कुछ नहीं बोला। रामनाथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। रामनाथ मजबूर होकर इन सारी बातों को सबसे छिपाता रहा कि कहीं पोल न खुल जाए। कुछ दिन बीत जाने के बाद रतन बार बार अपने कंगनों के लिए मांग करती रही, परंतु रामनाथ उनके बनने में देर होने की बात कहकर बार बार बात टालता रहा। यह सब देखकर रतन को कुछ शंका होने लगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर क्या था। यही सोचकर उसने यानी रतन ने रामनाथ से कहा कि यदि कंगन नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं है, मेरे रुपये वापस ला दो। अब बेचारा रामनाथ करता तो क्या करता, अब तो वह बुरी तरह से फंस चुका था। मजबूर होकर रामनाथ रतन के रुपये को चुकाने के लिए अपने कई मित्रों के पास गया, परंतु निराशा ही हाथ लगी, सबने मदद करने से इनकार कर दिया। अब रामनाथ घोर संकट में पड़ गया था, क्या करें उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे तो रामनाथ ने रुपये जुटाने की भरपूर चेष्टा की, परंतु विफलता ही हाथ लगी। अंत में मजबूर होकर वह रमेश बाबू के पास गया। रमेश बाबू ने यही समझाया कि मित्रों से रुपये पैसे का लेन देन करना अच्छा नहीं होता है, धीरे धीरे मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे रुपये लौटाने के लिए रतन द्वारा दी गई मोहलत का भी अंतिम दिन आ जाता है, किंतु रामनाथ 600 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाता है। संयोगवश उसी दिन दफ्तर में चुंगी के हिसाब में आए हुए 800 रुपयों को देखकर उसे इस समस्या के समाधान का एक उपाय सूझ गया। वह जानबूझकर रुपये खजांची के पास न जमा कर वह देर तक हिसाब किताब करने में लगा रहा और खजांची के चले जाने के बाद 800 रुपये की थैली घर ले आया। घर आकर उसने थैली जालपा को दे दिया और कहा कि वह रतन के लिए रुपया लेकर आया हुआ है। परंतु शाम को जब वह घूमने के लिए निकला तो ठीक उसके पीछे रतन अपने रुपये लेने के लिए उसके घर चली आई। जालपा ने बिना सोचे समझे 800 रुपये की थैली जो कि त्यों रतन को पकड़ा दी। रामनाथ जब घूमकर वापस आया और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि रतन को 800 रुपये की थैली दे दी गई है, तो वह हैरान हो गया, पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई। दरअसल रामनाथ ने जालपा को यह बताया ही नहीं था कि उसमें 200 रुपये अधिक हैं। बेचारा तिलमिला कर रह गया, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। वह उसे
वापस लाने के लिए रतन के घर भी गया, पर संकोचवश वह उससे पैसा नहीं मांग सका। अब रामनाथ बड़ी मुश्किल में फंस गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगा कि यदि कल तक रुपया खजाने में जमा न हुआ तो उस पर गबन का मुकदमा चलेगा और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। रात भर इसी चिंता के मारे रामनाथ को नींद नहीं आई कि कल चुंगी के रुपये कैसे जमा होंगे। प्रातः होते ही कहार को भेजकर रतन से रुपये मंगवाए गए, परंतु उसने केवल 200 रुपये ही लौटाए। अंत में जालपा को जब यह सब पता चला तो उसने कहा कि रतन से रुपये तुमने क्यों मंगवाए? 200 रुपये तो मेरे पास भी थे, 100 रुपये तो रमानाथ के पास भी थे। इस प्रकार रमानाथ ने 500 रुपये का प्रबंध तो कर लिया, केवल 300 रुपये बाकी रह गए थे। इस प्रकार भारी प्रयास करने पर भी रामनाथ 300 रुपये का प्रबंध नहीं कर सका, वह पूरी तरह से असमर्थ हो गया। रामनाथ दफ्तर पहुंचा और उसने रमेश बाबू से कहा कि 800 रुपये में से 300 रुपये तो उसकी जेब में से निकल गए, यानी जेब में से 300 रुपये के नोट गायब हो गए। अंत में मजबूर होकर रामनाथ ने 500 रुपये चुंगी में जमा कर दिए। शेष 300 रुपये के बारे में रमेश बाबू ने अंत में रामनाथ से कहा कि कल तक रुपये जमा हो जाने चाहिए, नहीं तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएगी, गबन का मामला है, तुम किसी भी प्रकार से बच नहीं पाओगी, अतः जितनी जल्दी हो सके कल तक तुम जमा कर दो, अन्यथा तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। रामनाथ ने एक बार फिर रतन से 300 रुपये प्राप्त करने का प्रयास किया किंतु असफल रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि वह जालपा को अपनी सारी स्थिति को स्पष्ट कर देगा और उसके आभूषण गिरवी रखकर वर्तमान संकट से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, किंतु घर जाने के बाद भी वह जालपा से आभूषण मांगने का साहस नहीं जुटा पाया। संकोच के सामने उसके संकल्प शिथिल पड़ गए। मजबूर होकर रामनाथ जालपा के आभूषणों को चुराने का पहला जैसा खेल खेलने का भी विचार किया, किंतु अब की बार ऐसा वह नहीं कर पाया। फिर प्रातःकाल उठकर रामनाथ रमेश बाबू के घर गया ताकि रुपये का किसी तरह प्रबंध हो जाए, परंतु वहां भी उसे सफलता नहीं मिली। फिर चलते चलते उसने मार्ग में यह निश्चय किया कि एक पत्र लिखकर जालपा को सारी परिस्थिति से परिचित करवा देगा और उसके गहने की मांग करेगा ताकि वह कर्ज से मुक्त हो सके। गहने बेचकर मुक्त होने का प्रयास करेगा, परंतु वह ऐसा भी नहीं कर पाया। कारण, रामनाथ घर तो पहुंचा, पत्र भी लिखा, परंतु पत्र देने का साहस नहीं जुटा पाया। उधर जालपा ने कुछ रुपये निकालने के लिए जब रामनाथ की जेब में हाथ डाला तो वह पत्र उसके हाथ में लग गया। रामनाथ ने पत्र को जालपा के हाथ से छीनना चाहा, किंतु जालपा ने पत्र नहीं दिया, इस भय से कि पत्र पढ़कर कहीं जालपा को सारी परिस्थिति का पता न चल जाए। वह डर के मारे सीढ़ियों से उतरकर सीधे स्टेशन की ओर चल दिया। जालपा पत्र पढ़ने में लग गई। स्टेशन पर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। रामनाथ बिना सोचे समझे बिना टिकट के ही गाड़ी में सवार हो गया। इधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ गई कि आखिर कौन सी घटना घटी है, क्यों रामनाथ मुझे पत्र पढ़ने की आज्ञा नहीं दे रहा था। फिर जब उसने पीछे कमरे में आकर देखा तो रामनाथ वहां नहीं था। तब तक रामनाथ बहुत दूर निकल चुका था। जालपा बहुत चिंतित हो गई, परंतु रामनाथ तब तक बहुत दूर निकल चुका था। रामनाथ कभी ऐसा करेगा
या ऐसा कर सकता है, यानी सरकारी रुपयों का गबन भी करेगा। जालपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रामनाथ कभी घर छोड़कर पलायनवादी हो जाएगा। जालपा ने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की थी। जालपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे और किसी से कहे तो वह क्या कहे। सहसा उसके मन में एक शंका उठी, वह फिर उद्विग्न हो गई। वह अविलंब यानी बिना देर किए हुए चुंगी के दफ्तर में पहुंची। रमेश बाबू से मिलकर मालूम हुआ कि वह यहां भी नहीं आया है। फिर रमेश बाबू ने जालपा को 300 रुपये के गबन की ओर भी संकेत किया, यानी रमानाथ ने अब तक 300 रुपये जमा नहीं किए हैं, जो बहुत ही जरूरी है। फिर जालपा ने बिना सोचे समझे तुरंत अपना चंद्रहार बेच डाला और सरकारी रुपया चुका दिया। इस तरह जालपा अपने गहने बेचकर म्युनिसिपैलिटी के सारे रुपये चुका देती है। घर जाकर देखा तो रामनाथ अभी तक घर लौट कर नहीं आया था। जालपा बहुत चिंतित हो गई, आखिर रामनाथ गया तो कहाँ गया। रामनाथ की माँ रामेश्वरी भी जब रामनाथ के बारे में सुनी तो वह भी चिंतित हो उठी, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग रामनाथ के बारे में अलग अलग तरह की बातें कहने लगे थे। दयानाथ के हृदय में रामनाथ द्वारा आत्महत्या कर लेने का भी विचार आया। रतन तथा रमेश बाबू ने सोचा कि रामनाथ किसी न किसी स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया है, इसीलिए वह घर से भाग गया है। किंतु पति परायण जालपा ने इसे स्वीकार नहीं किया। जालपा को रामनाथ पर पूरा विश्वास था। जालपा अपने पति के गृह त्याग का मूल कारण स्वयं को ठहराने लगी थी। जालपा को अब अपने आप से बहुत ही घृणा होने लगी थी। यह सब देखकर जालपा को अपने आप पर बहुत दुख होने लगा था। फिर क्या था, जालपा ने अपने कंगन रतन के हाथों बेच डाले और शराब का ऋण चुकाने के लिए प्राप्त धनराशि दयानाथ के हाथों सौंप दी। यही नहीं, अब उसे अपने वस्त्राभूषणों से भी विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। एक दिन प्रातः बेला में उसने रतन द्वारा बार बार रोके जाने पर भी अपने सारे मूल्यवान वस्त्रों को भरकर गंगा नदी के जल में डुबो दिया और एक विरागपूर्ण जीवन बिताना शुरू कर दी। जालपा के पिता को जब यह पता चला वे बहुत दुखी हुए। फिर क्या था, जालपा के पिता दीनदयाल उसे लेने के लिए आए, किंतु पति के अभाव से दुखी जालपा ने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया और तो और न ही उनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ही लेना चाहिए। रामनाथ को लेकर घर में सभी चिंतित हो गए थे कि आखिर रामनाथ गया तो कहाँ गया और क्यों गया। अंत में समाचार पत्रों में भी रामनाथ का पता लगाने वाले को 500 रुपये का पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी गई। दुर्भाग्यवश बेचारी जालपा को रामनाथ का कहीं कोई पता नहीं चला। जालपा दुर्भाग्य के वज्रपात से घायल होकर अब दुखी जीवन बिताने के लिए बाध्य हो गई थी। वह एक दुखियारा का जीवन बिता रही थी। जैसे ही रामनाथ गाड़ी पर चढ़ता है, उसकी गाड़ी में भेंट एक बूढ़े खटिक देवी दीन से हो जाती है। वह 60-70 वर्ष का एक गरीब वृद्ध व्यक्ति था। देवी दीन तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अब वह उसी गाड़ी से अपना घर यानी कलकत्ता जा रहा था। देवी दीन एक सहृदयी उदार एवं धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके मन में देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी संतान तो हुई थी किंतु समय से पहले ही काल कवलित हो गई थी, यानी समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वह स्वयं अपनी वृद्धा पत्नी जग्गू के साथ
कष्टमय जीवन बिता रहा था। कलकत्ता में देवी दीन की एक सब्जी की दुकान थी जिस पर प्रायः वृद्धा ही बैठा करती थी। देवी दीन को रमानाथ की दयनीय स्थिति पर दया आ गई। देवी दीन दयालु व्यक्ति तो था ही, जब उसने रमानाथ को इस हालत में देखा तो दया आ गई। रामनाथ बिना टिकट लिए गाड़ी पर चढ़ गया था। संयोगवश टिकट चेकर द्वारा चेक किए जाने पर जब रामनाथ के गाड़ी से उतर जाने की नौबत आ गई तो देवी दीन ने ही उसका रेल किराया दे दिया और जेल जाने से बचाया। कलकत्ता में रामनाथ का कोई न रहने के कारण देवी दीन उसे अपने यहाँ रखता है, यानी कलकत्ता में आश्रयहीन रामनाथ कहाँ रहेगा। यही सोचकर देवी दीन ने इस असहाय युवक को अपने घर में आश्रय दे देता है, यानी देवी दीन रामनाथ को अपने घर में रखता है। रामनाथ पुलिस के भय से घर से बाहर ही नहीं निकलता था और देवी दीन के घर में पड़ा रहता था। धीरे धीरे खटिक देवी दीन को रामनाथ के घर से भागे जाने का कारण पता चल जाता है, अर्थात रामनाथ अपना पिछला जीवन धीरे धीरे देवी दीन को बतला देता है। रामनाथ गबन की भी बात देवी दीन को बतला देता है। देवी दीन एक बड़ा ही भला आदमी था। देवी दीन और उसकी पत्नी जग्गो रामनाथ को अपने पुत्र जैसा ही स्नेह करती थी। धीरे धीरे संध्या के समय रामनाथ एक वाचनालय यानी एक पुस्तकालय में भी जाने लगा था ताकि उसका मन बहल सके, उसका दुख दूर हो सके और डर भी कम हो सके। संयोगवश एक दिन वाचनालय से यानी पुस्तकालय से लौटते समय उसे दयानाथ द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति पढ़ने को मिली जिसमें रामनाथ को घर पहुंचाने पर 500 रुपये का इनाम देना भी लिखा हुआ था। फिर एक दिन उसे अचानक रतन भी वाचनालय में दिखलाई दी, परंतु वह उससे मिल नहीं सका और मिलने का साहस भी जुटा नहीं पाया। कारण वह लज्जा के कारण इच्छा होने पर भी उससे मिल नहीं पाया। वह लज्जा के कारण अपनी पत्नी तथा अपने घर वालों के बारे में यही नहीं अपने केस के संबंध में भी ठीक से जानकारी नहीं ले सका। अंत में निराश होकर उसने कई बार अपने को पुलिस के हाथों सौंप कर ऐसे जीवन से मुक्त होने का विचार भी किया, किंतु साहस के अभाव में उसने ऐसा नहीं कर पाया। अज्ञातवास ही उसे कल्याणकारी प्रतीत होने लगा। इसी प्रकार उसके घर में रहते रहते 2 महीने और बीत गए। देवी दीन का घर उसके लिए कल्याणकारी प्रतीत होने लगा। एक दिन की बात है, सर्दी के मौसम में सेठ किरोड़ीमल की ओर से भिखमंगों को कंबल बांटे जा रहे थे। वह वहां पहुंचकर मुनीम के आग्रह पर एक कंबल लेकर आया, पर जन्म जन्मांतर की संचित मान मर्यादा आहत हो उठी। उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह निश्चित रूप से कल से काम की खोज में घर से निकलेगा। रामनाथ को पुलिस के आ जाने की आशंका सदैव बनी हुई रहती थी। देवी दीन भी पहले पुलिस से भयभीत हुआ था, पर यह सोचकर कि रुपये में बड़ा जोर है, उसने यह कहकर अपने भय पर विजय पाली। देवी दीन ने रामनाथ को साथ लेकर घर जाने का भी विचार किया। देवी दीन ने कई बार रामनाथ से कहा कि वह घर चला जाए, नहीं तो घर वाले बहुत ही परेशान होंगे, ताकि वह अपनी पत्नी तथा अपने माता पिता से मिल सके, क्योंकि वे लोग अभी बहुत परेशान होंगे। रामनाथ एक सीमा तक जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर देवी दीन उसके लिए नए वस्त्र बनाने की भी योजना बना ली, परंतु फिर क्या हुआ, रामनाथ अंत में पकड़े जाने के डर से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और वह
वही रहने लगा। उसने देवी दीन से साफ कह दिया कि वह अभी घर नहीं जाएगा बल्कि यही रहेगा। आशा करता हूँ गबन उपन्यास की कथा को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने 14 से लेकर 26 तक की कथा को बड़े सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देखकर पूरी कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरे वीडियो में 27वां अध्याय की कथा से लेकर 39वां अध्याय तक की कथा को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।